तो उत्तर प्रदेश से कल भी एनकाउंटर की खबर आई थी और आज भी एक ऐसी खबर आई है। कोई कुछ भी कहता रहे, जाति को लेकर प्रश्न पूछता रहे, बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाता रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा की भावना महसूस होनी चाहिए। क्लियर मैसेज दिया हुआ है, लाउड एंड क्लियर, और उसी पर काम करती है योगी आदित्यनाथ की पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस। जुर्म जहां हो रहा है, जुर्म को रोकने पर, एक्शन लेने पर किसी के भी बयान से कोई असर योगी आदित्यनाथ पर भी नहीं पड़ता। और यही वजह है कि पुलिस को जो फ्री हैंड मिला है उसका असर हम देखते हैं कि जब भी कोई घटना घटती है उसे तुरंत ही यहां पर एक्शन मोड में आती यूपी पुलिस दिखाई देती है, क्योंकि जुर्म और अपराध पर नकेल कसने का जो पहला प्रण है उस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस बरकरार है। ग्रेटर नोएडा में कहां क्या हुआ है, चलिए हम आपको पहले वो जानकारी जल्दी से दे देते हैं। ग्रेटर नोएडा में देखिए, दिन दहाड़े दिन के उजाले में एनकाउंटर हुआ है, पुलिस और बदमाश के बीच ये लाइव एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे, क्योंकि एकदम फिल्मी स्टाइल में हुआ है। बदमाश से लाइव मुठभेड़ हुई है, वो गन शॉट्स आप सुन पाएंगे, किस तरह से पुलिस एक्शन मोड में उस दौरान रही, किस तरह से एक्शन प्लान तुरंत तैयार किया, वो सब आपको हम दिखाने वाले हैं। बदमाश से मुठभेड़ का वीडियो भी क्योंकि सामने आ गया है, लाइव मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा के बीटा टू थाने में हुई है, बीटा टू थाना क्षेत्र है जहां पर यह घटना हुई है। दरअसल यहां पर बदमाश को पकड़ने गई थी और इस दौरान वीडियो भी बनाया गया है। लाइव एनकाउंटर का वीडियो अब बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाश में संघर्ष काफी लंबा चला, काफी जद्दोजहद यहां पर चलती दिखाई दी, लेकिन लाइव एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, यानी ये सफलता मिली है। और आपको, चलिए हमने आपको बता दिया कि बीटा टू थाना क्षेत्र की घटना है, लेकिन किस तरह से घटना हुई, क्या हो रहा था, चलिए पहले लाइव एक्शन आपको तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये ग्रेटर नोएडा में पुलिस दो आदमियों के पीछे भाग रही थी, ये वो अपराधी थे, वो लुटेरे थे जो लोगों की चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। और जैसे ही जानकारी मिली इनकी कि यहाँ पर है, पुलिस पहुंची और एक्शन मोड में पूरी टीम के साथ दिखाई दी और तुरंत देखिए एक सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर दिखाई दिया। क्या कुछ हुआ है जरा सुनवा देते हैं आपको। पीछे देख रहा, पीछे दो आदमी, पीछे जाओ, पीछे जाओ, दो आदमी पीछे, दरोगा जी दो आदमी पीछे, इसी में कूदा है, इसी में अंदर, इसी में कूदा है, क्या आराम से, असला है सर इसके हाथ में, असला सर, असला है सर, फायरिंग कर रहा है सर, फायरिंग, पीछे हट जाओ, पीछे साइड ले लो, साइड ले लो, साइड साइड ले लो सर, तो सुना आपने कैसे फायरिंग लाइव एक्शन यहां होता दिखाई दिया। जो डीसीपी इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे उन्होंने क्या जानकारी दी आपको सुनवा देते हैं। पहले पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके कॉम्बिंग शुरू करी, एक बंद पड़ा मकान में वो बदमाश चला गया, उस बदमाश ने वहाँ से बंद पड़े जो मकान था वहाँ से भी हम पे फायरिंग करी, पुलिस पे फायरिंग करी, और इसको इस पूरे मकान को कॉम्बिंग करी गई और इसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से रूम एंट्री करते हुए इसमें जो दूसरा जो बदमाश था उसे भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, उसको अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। इसमें पिस्टल जो है मुंगेर की वो बरामद हुई है, जो लूटी हुई चैन है वो बरामद हुई है, बाइक बरामद हुई है। तो यहाँ योगी सरकार बिल्कुल क्लियर है, योगी की पुलिस भी बिल्कुल क्लियर है कि अगर जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, या तो सरेंडर कर दे अपराधी, या फिर सजा भुगतने को तैयार रहे। लेकिन ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा टू इलाके में दिन दहाड़े घटना होती है, बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है, और इसमें एक बदमाश को पुलिस ने गोली लगने के बाद पहले ही धर दबोचा था। इस दौरान दूसरा बदमाश फरार हो गया था जिसका पीछा पुलिस टीम कर रही थी, जिसकी फुटेज हम अभी आपको दिखा रहे थे। इसके बाद दूसरे बदमाश से हुई मुठभेड़ का ये लाइव वीडियो सामने आ गया, और इसमें कॉम्बिंग के दौरान बदमाश एक घर में भागकर छुप गया, एक घर था उसमें अचानक कूद के अंदर चला गया और छुप गया, जिसका पीछा करते हुए पुलिस भी घर की रेलिंग को फांदकर दाखिल हुई, अंदर गई। तस्वीरों में आप खुद देख पा रहे हैं, पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, कई राउंड फायरिंग हुई है, और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को धर दबोचा है। पुलिस की फायरिंग में बदमाश को गोली लगी गई है, पकड़ा गया आरोपी शातिर चेन स्नैचर बताया जा रहा है, उस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, और कुछ दिनों पहले ही इस बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर एमएलसी के रिश्तेदार से भी स्नैचिंग की थी। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान ने अपनी टीम के साथ इस कॉम्बिंग के दौरान घर में घुसकर बदमाशों को
पकड़ा है। तो ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई ये बता रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्तैद है और त्वरित कार्रवाई के लिए हर वक्त तैयार है। वहां कुछ लोग भी मौजूद थे जो ये सब होता हुआ देख रहे थे। चश्मदीदों का क्या कहना है, कैसे ये एक्शन हुआ, वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे 4:40 के करीब में पुलिस एक अपराधी को तो बाहर ही इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो दूसरा दुबक के हमारे यहाँ ए ब्लॉक में एक मकान में दुबक गया था। तो आपको कैसे जानकारी हुई, कैसे पता लगा आप लोगों को? जो हमारे चौकी इंचार्ज है उनका भी मैसेज आया था, कॉल भी आई थी कि भाई आपके सेक्टर में इस तरीका से क्या कोई फायरिंग वायरिंग की आवाज सुनी? हाँ, फायरिंग की आवाज है, उसको गोली मार दी। तो दो लुटेरे थे जो फरार होने की कोशिश कर रहे थे और उनको पकड़ने में सफलता हासिल की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ये कहती रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया हुआ है कि जुर्म करने पर सजा तो मिलनी तय है। ऐसे में इस तरह के अपराध से मुक्त हो पाए उत्तर प्रदेश, इस पर फोकस है योगी आदित्यनाथ का। और यही वजह है, देखिए दो अपराधियों की तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां सुमित पहले ही पकड़ा जा चुका था, लेकिन दूसरा अपराधी जो था प्रदीप, वो भागने की कोशिश कर रहा था, फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको किस तरह से ऑपरेशन चलाकर पकड़ा गया। एक घर में, एक सुनसान घर में घुसकर उसने ठिकाना लेने की कोशिश की, छुपने की कोशिश की, लेकिन इस अपराधी को भी, प्रदीप जिसका नाम बताया जा रहा है, इस दूसरे अपराधी को भी गिरफ्त में ले लिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ यही कोशिश करते हैं कि जनता को न्याय मिले, जो अपराधी कोई गलती करे उन्हें सजा दी जाए, और इससे जो पीड़ित महिला जिसके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी वो बहुत संतुष्ट नजर आ रही इस कार्रवाई से, और भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर कैसे बढ़ गया, सुनिए खुद उनकी जुबानी। कोई बंदा आया, उसने एकदम पीछे से मेरी चेन तोड़ ली और एकदम से मैंने हल्ला भी मचाया, लेकिन वो तब तक भाग चुका था। फिर मैंने अपनी कंप्लेन पुलिस को कॉल करी बीटातू थाने में, वहाँ से वो लोग आए, उन्होंने तुरंत ही 10 से 15 मिनट में केस सॉल्व कर दिया, उसको पकड़ लिया जिसने मेरी चेन तोड़ी थी, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत आभारी हूँ बीटातू पुलिस थाने में, उन्होंने इतनी जल्दी केस सॉल्व कर दिया इतने कम टाइम में। तो योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, माफियाओं को, और उसी पर काम करती उत्तर प्रदेश की पुलिस नजर आ रही है। अगर अपराधी को बचाने या छिपाने की कोशिश की तो वो लोग भी रडार पर आएंगे, ये क्लियर कर चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस, और उसी मोड में, एक्शन मोड में दिखाई दे रही रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रखते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही प्रण है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करे तो फिर वो बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। योगी की पुलिस अपने मुखिया के फरमान को फॉलो भी कर रही है, तभी तो एक के बाद एक पुलिस से बदमाशों के एनकाउंटर की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा हो, सुल्तानपुर हो, अयोध्या या फिर यूपी का कोई भी शहर या फिर कोई भी कोना, अपराधी को पाताल से निकालकर यूपी पुलिस उसके गुनाह का पूरा हिसाब तुरंत कर दे रही है। डकैत, लुटेरे, हत्यारे, माफिया, योगी के पास इनके लिए कोई माफी नहीं है। योगी का साफ और बार बार कहना है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और एनकाउंटर से योगी की पुलिस माफिया को मिट्टी में मिलाने में लगी भी हुई है। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। विपक्ष भले ही योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस टास्क के बीच रोड़ा बनने की कोशिश करे, लेकिन योगी सिर्फ अपराधी का जुर्म देख रहे हैं, योगी पलटवार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ लोगों को सिर्फ जाति दिखती है, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर जाति कार्ड खेलकर योगी को गुस्सा जो दिला दिया है। पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो,
विपक्ष जो मर्जी कहता रहे, योगी 2017 के बाद से यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था का दंभ भरते आए हैं और विपक्ष पर यानी खास तौर पर समाजवादी पार्टी को माफिया और गुंडों का हमदर्द बताकर उसको निशाने पर भी लेते रहे हैं। अपराध और अपराधी दोनों पर योगी की नजर हर वक्त टेढ़ी है और यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जो अपराध करेगा वो भुगतेगा भी, और जो अपराधी को बचाने या फिर उसके अपराध को छिपाने की हिमाकत करेगा रडार पर वो भी आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।